धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, जो तीनों ही अनुशासनहीनता के मामले में फंसे हुए नजर आए, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर शांति धारीवाल को अब साइडलाइन किया जा रहा है। ना सिर्फ शांति धारीवाल उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो अशोक गहलोत खेमे के हैं, और शांति धारीवाल खुल करके सचिन पायलट के खिलाफ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बयान जो दिया था बीते साल की अगर मैं बात करूँ तो साफ तौर पर वो ये कह रहे थे सचिन पायलट को, जो बाहरी नेता हैं वो प्रदेश में आते हैं, राजनीति में अपने किस्मत को चमकाते, लेकिन प्रदेश के विकास में उनका कहीं से भी योगदान नजर नहीं आता है। और ये नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। राजस्थान में इस वक्त इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्माते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार बीजेपी या फिर कांग्रेस किसकी जीत यहां पर देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री पद पर आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी। देखने को मिल रहा है कि पहली सूची पर भी कांग्रेस काफी चिंतन मंथन करती नजर आ रही है, कईयों के नाम शामिल किए गए तो कईयों के काटे भी गए। ऐसे में शांति धारीवाल को लेकर सोनिया गांधी की नाराजगी आखिरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें कम करेगी या फिर बढ़ाने का काम करेगी, और इसी मुद्दे को लेकर हम अपने से दोनों ही सहयोगियों से समझेंगे कि शांति धारीवाल पर जो एक्शन सोनिया गांधी का हुआ है वो आखिरकार इसे किस तरह से देखते हैं। यहां पर शुरुआत में प्रांशु से करना चाहूंगी। प्रांशु, देखिए सोनिया गांधी का जो फैसला यहां पर आया, सीधे नाम काटने की बात यहां पर उन्होंने कह दी, शांति धारीवाल को लेकर किस तरह से इसे देख रही हैं? देखिए, ना सिर्फ सोनिया गांधी ने बल्कि राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वह राजस्थान पहुंचे थे उस वक्त भी शांति धारीवाल के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें आई थी, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बीते साल 2022 में जो हमने देखा था 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, गहलोत सरकार के ही मंत्री 92 विधायक जो इस्तीफा देने पहुंचे थे सीपी जोशी को, उसके बाद से देखने को मिला कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, जो तीनों ही अनुशासनहीनता के मामले में फंसे हुए नजर आए, और इसी वजह से देखा जाए तो यहां पर शांति धारीवाल को अब साइडलाइन किया जा रहा है। ना सिर्फ शांति धारीवाल है बल्कि देखा जाए तो ऐसे और भी कई अन्य नेता हो सकते हैं जिनको यहां पर फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाएगा, उनके क्षेत्रों में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है उस लिहाज से यहां पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर यह बातें भी सामने आई हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो लगभग 30 उम्मीदवारों के नाम पक्के बताए जा रहे हैं, जैसे कि यहां पर अशोक गहलोत हैं जो मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट के अलावा देखा जाए तो यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और भी ऐसे कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब्राहम फ्रांशी ने सचिन पायलट का जिक्र किया, दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट के भी 10 विधायकों के नाम यहां पर काटे गए हैं, तो जो विधायकों के नाम काटे जा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि यहां पर जिन विधायकों के नाम काटे जा रहे हैं वो खुद मोर्चा खोल दे अपनी पार्टी के खिलाफ? देखिए, शांति धारीवाल उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो अशोक गहलोत खेमे के हैं, और शांति धारीवाल खुल करके सचिन पायलट के खिलाफ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बयान जो दिया था बीते साल की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर वो ये कह रहे थे सचिन पायलट को, जो बाहरी नेता हैं वो प्रदेश में आते हैं, राजनीति में अपने किस्मत को चमकाते, लेकिन प्रदेश के विकास में उनका कहीं से भी योगदान नज़र नहीं आता है, और ये जो निशाना था उनका सचिन पायलट पर ही था। लेकिन अगर उनका टिकट कट जा रहा है तो आप सोचें कि अशोक गहलोत जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान की है, इकाई राजस्थान प्रदेश की है, उस पर कहीं ना कहीं जो अपनी एक मजबूत छवि को दिखाना चाह रहे थे उसको एक बड़ा झटका लगा है। ये मात्र शांति धारीवाल का ही टिकट नहीं कटा बल्कि अशोक गहलोत के भी उस नेतृत्व को एक बड़े तौर पर सोनिया गांधी ने या फिर कांग्रेस हाईकमांड ने एक बड़ा झटका दिया है, और ये समझना पड़ेगा कि इसके कई और बड़े संकेत हो सकते हैं, क्योंकि शांति धारीवाल मंत्री भी रहे तो जाहिर सी बात है कि वो राजस्थान की सियासत में जिस तरीके से वो अपनी पकड़ रखते हैं उनका टिकट का काटा जाना ये एक बड़ी बात है, और एक ये बड़े चीज़ को दर्शाता है, और हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट भी कांग्रेस पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं चुनाव में जो है वोटों के तौर पर भारी नुकसान। सवाल यहाँ पर राजस्थान में बार बार सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही है, अगर वाकई में जीतती है तो आप दोनों के
हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सा नेता यहाँ पर सबसे सटीक यहाँ पर बैठता है? अगर मोटा मोटी बात करें तो पायलट और गहलोत का नाम सामने आ रहा है, मतलब आप दोनों के हिसाब से कौन सा नेता यहाँ पर सही बैठता है? सबसे पहले आपकी तरफ मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि पायलट गहलोत में कौन बेहतर नेता यहाँ पर राजस्थान के लिए होगा मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए प्रज्ञा, अगर यहाँ पर अनुभव की बात की जाए और जिस तरह से जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, तो अगर अशोक गहलोत को यहाँ पर आगे किया जाता है तो एक बार हम फिर से वही विकास होते हुए देखेंगे राजस्थान में। लेकिन अब कांग्रेस यहाँ पर युवाओं को भी आगे करना चाहती है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने अभी अपने खेमे में कई बड़े बदलाव किए, युवाओं को वह ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है, तो अब जनता भी यहाँ पर एक नई सोच के साथ चलना चाहती है। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर सर्वे किए जाते हैं तो सचिन पायलट का नाम खुलकर लिया जाता है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक सीएम फेस के लिए सस्पेंस बरकरार रखा गया है। तो अभी देखा जाए बार बार यहाँ पर सचिन पायलट का नाम ही खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट जमीनी स्तर से जुड़कर जनता के बीच जिस तरीके से उतर रहे हैं, लोगों के दर्द को वह जिस तरीके से समझते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर अशोक गहलोत की नीतियों से हटकर बात की है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बार बार यहाँ पर सचिन पायलट का नाम ही आगे आ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रांशी कह रही है कि सचिन पायलट का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है अगर वाकई में सीएम पद पर सचिन पायलट को ये पद सौंपा जाएगा? क्योंकि आज भी अशोक गहलोत का बयान सामने आया, कहते हुए नजर आए कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूँ लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता, तो इसके बयान उनके बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इशारों में उन्होंने ये बता दिया है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर धमकी है, क्योंकि वो ये कहकर जताना चाह रहे हैं कि जो इस उम्मीद में बैठा है कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें सीएम बनाया जा सकता है, वो दरअसल इसको भूल जाए, क्योंकि उनका ये शब्द पूरी तरीके से दर्शा रहा है। और आप देखिए कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किनारे लगा रही है, उनको CWC का मेंबर बनाना, केंद्र की राजनीति में लाना, ये क्या है, राजस्थान से दूर करने की बात है। और जहाँ तक सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीट तय करने को लेकर के जो बैठक चल रही थी AICC की, उस बैठक में भी सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया था, अशोक गहलोत उसमें मौजूद थे, बाकी प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद थे प्रभारी, लेकिन सचिन पायलट नहीं थे। तो इस तरीके की जो बड़ी अहम बैठकों से उसको उनको जो है दूर रखा जा रहा है, या फिर CWC में उनको जो मेंबर बनाया गया, ये सारी बातें ये एक तरीके से फैसला करती है कि सचिन पायलट को राजस्थान से कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। और अशोक गहलोत ने ये बात को कहकर साफ तौर पर इस पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगा दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, क्योंकि उनके ये साफ तौर पर शब्द थे कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना जो चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पर देखिए प्रांशी, जैसा इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बयान से ये कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर अगर गहलोत की ताजपोशी होती है तो पायलट तब भी क्या कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में हम सभी ने देखा कि पायलट ने क्या कुछ किया, किस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो चले गए, तो क्या फिर से वैसा ही देखा जाएगा? और अभी शांति धारीवाल का जिस तरीके से टिकट कटा है, तो क्या ये बगावती सुर जो है आने वाले समय में वो भी यहाँ पर अलापते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सचिन पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि वह कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे और राजस्थान में उन्हें कांग्रेस को सत्ता में एक बार फिर से लाना है। तो अभी सचिन पायलट ने जितने भी बयान दिए हैं तो उससे तो यहाँ पर यही जाहिर होता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा, क्योंकि दावे ये तक किए गए हैं कि अगर अशोक गहलोत को सीएम पद की दावेदारी के लिए इस साल आगे किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा? तो यहाँ पर सचिन पायलट ही एक विकल्प के तौर पर दिखाई देते हैं, बाकी कोई अन्य नेता तो दिखाई नहीं देते, तो इस वजह से सचिन पायलट इसी खेमे में रहकर इसी पार्टी के लिए काम करना जरूरी समझेंगे। शांति धारीवाल का क्या रुख रहेगा, उनका जिस तरीके से नाराजगी यहाँ पर सोनिया गांधी ने साफ तौर पर जताई है, तो इसके बाद भी वो पार्टी के साथ रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि टिकट जब कटा बीजेपी से, अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही में राजपाल सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर के बीच तगड़ी यहाँ पर कह सकते हैं बहस देखने को मिल रही है, समर्थन उनके प्रदर्शन करते हुए समर्थक नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस वक्त इसी अंतरकलह का सामना कर रही है। तो अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है और उससे पहले ही टिकट काटे जा रहे, तो क्या ऐसा ही कांग्रेस भी नहीं यहाँ पर सामना करती हुई नजर आएगी?
देखिए जाहिर है क्योंकि कांग्रेस यहां पर युवाओं को मौका देने की जिस तरीके से बात कहती हुई नजर आई है, आने वाले वक्त में ये देखना होगा क्योंकि कांग्रेस यहां पर उन नेताओं को भी दरकिनार करने की पूरी कोशिश करी जिनके चलते उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी थी। क्योंकि हमने क्या देखा था, 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के चलते सचिन पायलट का गुट एक साइड हो गया था और हमने देखा कि सचिन पायलट के गुट ने यहां पर तीन बड़ी मांगे तक ये रख दी थी कि या तो उन्हें महासचिव बना दीजिए या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद सौंप दीजिए या फिर एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री। और सचिन पायलट ने उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी फोन पर बात की थी, तब भी यही कहा गया कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। तो देखा जाए तो यहां पर अब सोनिया गांधी को और या फिर यूं कहा जाए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जिनको लेकर यह कहा गया है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिस अंदरूनी कलह की आप बात कर रही हैं अब वह इन राज्यों में पहुंचकर एकजुट होकर सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ दिनों बाद ही देखेंगे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान दौरे पर नजर आएंगे जहां पर वह जनसभाओं को संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। तो फिलहाल देखा जाए प्रज्ञा यहां पर अपने खेमे को मजबूत बनाने के लिए उन सभी नेताओं की नाराजगी को दूर करते हुए कांग्रेस हाईकमान नजर आ रहे हैं और सभी नेताओं को एक ही मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में देखिए यहां पर साफ तौर पर ये समझ में जरूर आ रहा है कि राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं, ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के लिए। देखना होगा कि इन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार किस तरह से कांग्रेस फिर से राजस्थान में वापसी करती है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।